प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर चार क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, तेंदू पत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए हैं और बोनस देने का भी प्रावधान किए हैं। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांव में कांटा खूंटी न गड़े इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में तेंदू पत्ता भी है, और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन है, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त तो इस बजट में पैसा रखा गया है, तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का, कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो मुख्य रूप से ये चार बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है, कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे, मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर, और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में, विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा, उसमें आप सब लोगों का भी कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है, सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है, आप इसके कुछ प्रमुख हाईलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाईलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है, तो तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 कर रहे हैं, और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं, चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10000 करोड़ का प्रावधान किए हैं, जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं, उनके खाते में 10000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। 5 हॉर्स पावर तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। और ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। पेयजल का बजट को दुगुना किए हैं, 5047 करोड़ का पेयजल में बजट रखे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के एक एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी मतलब पहुंचा सके। इसी तरह से स्वास्थ्य का बजट 1272 करोड़ का है, ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाए। तो इस तरह से हाईलाइट है, बाकी वित्त मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री